स्वागत है सभी को। नमस्ते नमस्ते भानु भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते। तो नमस्ते सभी को। हम लोग हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। पिछले लगभग 6 दिनों में, आज 7वां दिन है, हम लोगों ने चर्चा को जो शुरू किया था वो तो सुख को समझने से शुरू किया था कि सुख हमारे लिए स्वभाव है या प्रभाव है। बहुत सारी चर्चाएं हमने और से जुड़े हुए कुछ अभ्यास हम लोगों ने करने का प्रयास किया, तो ये ध्यान में आया कि अगर प्रभाव से सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं तो मुख्यतः दो सोर्सेस पे हम अपने को एक्टिवेटेड देखते हैं। एक तो जिन भी अनुकूल संवेदनाओं को हमने, अनुकूल संवेदनाओं के आस्वादन को अच्छा मान रखा है, किसी टेम्परेचर को, किसी स्वाद को, किसी कपड़े को, किसी गाड़ी को, जिन भी अनुकूल संवेदनाओं को हमने अच्छा मान रखा है उसको जुटाने में बहुत सारा प्रयास करते हैं, उसके लिए सुविधाएं जुटाने में बहुत सारा प्रयास करते हैं। लेकिन एक निष्कर्ष ये बनता है कि इस अनुकूल संवेदना के पाने के लिए कितनी भी सुविधा जुटा लें, उससे मिलने वाले सुख में निरंतरता नहीं हो पाती। थोड़े ही समय में हम उससे बोर हो जाते हैं, या वही सुख जिस संवेदना से मिल रहा था उसी संवेदना से दुख मिलने लगता है। एक दूसरा सोर्स हम लोगों ने इसका अध्ययन किया था कि अनुकूल भाव पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरा श्रेष्ठता को स्वीकारे, कोई मेरे प्रति गौरव का भाव रखे, लोग मेरे से स्नेह करें, लोग मेरी तरफ ध्यान दें। उसके लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हुए अपने में देख सकते हैं, लेकिन कितने भी इन प्रयासों को कर लें, व्यक्ति अगर अपने में हार्मनी में है तो हमको ठीक भाव दे पाता है, नहीं है तो नहीं दे पाता। हमारे नजदीक से नजदीक का ही व्यक्ति क्यों ना हो जिसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं, इसलिए ये बात ध्यान में आती है कि ये जो दूसरों से मिलने वाले अनुकूल भाव के आस्वादन से जो सुखी होने का हम प्रयास कर रहे हैं, ये सोर्स भी निरंतर नहीं, इसमें भी निरंतरता नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तक हमने इन दो सोर्सेस को महत्वपूर्ण मान रखा था, इसलिए बहुत सारा समय और प्रयास इन दो सोर्सेस के लिए लगा रहे थे। अभी चर्चा में तीसरा सोर्स भी ध्यान में आया है कि सुख स्वभाव है, हमारे में जो सही समझ है, सही समझ से हम अपने अपने में सही भाव, सही विचार सुनिश्चित करके सुखी हो सकते हैं। दूसरी भाषा में कहूँ तो दूसरा स्वीकृत भाव है हमारे में, उसको हम समझ कर अपने में सुनिश्चित करके सुखी हो सकते हैं। तो एक तीसरा सोर्स भी है, पूरी तरह हमारे ही भीतर है, हम पर ही निर्भर करता है। एक बार अगर उस पर ध्यान जाता है तो हम जितना एफर्ट बाकी दो सोर्सेस से सुखी होने के लिए लगाते हैं, इस तीसरे सोर्स पर भी कुछ एफर्ट लगाना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे इस तीसरे सोर्स के से सुख का प्रपूर्ति होने लगती है, हमें हम सुखी होने लगते हैं, वैसे वैसे ये बाकी के दो जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनका भी मूल्यांकन शुरू होने लगता है, और धीरे धीरे हम उसका उससे सुख ढूंढने की जगह उन चीजों का सदुपयोग करना शुरू करते हैं। तो एक तरह से इन तीन मेथडों पर, तीन प्रक्रियाओं पर बात हुई थी जो सुख के लिए हम लोग करते हैं, फिर तो इससे जुड़े हुए कुछ अभ्यास हम लोगों ने किए। फिर किस विधि से हम लोग पूरे 4 महीने इस मॉर्निंग सेशन को चलाएंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उस पर भी बात की है, और फिर आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने सुख को और डिटेल में समझने का प्रयास किया कि सुख हार्मनी बराबर सुख है। जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूं अगर उसमें हार्मनी है, व्यवस्था है, तो ऐसा जीना मुझे सहज स्वीकार होता है। इस स्वीकृति के भाव में होना ही सुख है, हार्मनी में व्यवस्था में जीना ही सुख है। उसकी जगह अगर मैं ऐसी स्थिति परिस्थिति में जीने के लिए बाध्य हूँ जिसमें अंतर्द्वंद है, अव्यवस्था है, तो ये मुझे स्वीकार नहीं होता, ये मुझे सहज रूप से स्वीकार नहीं होता। इस अस्वीकृति के भाव में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है, अंतर्द्वंद अव्यवस्था में जीने के लिए बाध्य होना ही दुख है। हार्मनी बराबर सुख है, अंतर्द्वंद बराबर, डिसहार्मनी बराबर सुख है। इस पर हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं पिछले सत्रों में की थी, जिसको कि उससे जुड़े कुछ अभ्यास भी किए। तो जितना भी हम लोगों ने सुख के बारे अध्ययन किया, अब वापस अगर सबको कंक्लूड करके देखने जाए कि एक बार सुख को समझने के बाद अब अगर सुख के तो सभी सोर्सेज जिससे हम सुख पाने की कोशिश करते हैं वो क्या है, तो उनको हम एक साथ इस ढंग से रख के देख पाते हैं कि
मुख्यतः तो तीन सोर्स है सुखी होने का। सुविधा के माध्यम से, ये शरीर और सुविधा इन सबके माध्यम से हमको संवेदनाएं मिल रही हैं, उससे सुखी होने का एक सोर्स है। भाव से सुखी होने का एक सोर्स है। सही समझ से सुखी होने का एक सोर्स है। संवेदना वाला जो सोर्स है तो उसमें सुख की निरंतरता संभव नहीं है, क्षणिक है, उसमें कोई तृप्ति बिंदु नहीं, क्योंकि उससे शुरू में जिस संवेदना से, जिस आस्वादन से सुख मिलता है, धीरे धीरे वही असहनीय स्थिति में पहुंच जाता है। भाव पे भी हम लोगों ने देखा है कि जो दूसरे से भाव पाने का विधि है उसमें भी कोई तृप्ति बिंदु नहीं है, उसमें भी निरंतरता संभव नहीं है, वो भी सामायिक है और दूसरे पर निर्भर है। सही समझ से स्वयं में सही भाव सुनिश्चित करके जो सुख का स्रोत है उसमें निरंतरता संभव है, अगर मैं अपने पर ध्यान देकर उसको ठीक से कर पाता हूँ तो। ऐसे ही जो पहला सोर्स है, अपने से लेके इस एंटायर एग्जिस्टेंस को ठीक ठीक समझ पाता हूँ और मेरी क्या भागीदारी है इसमें उसको ठीक ठीक समझ पाता हूँ और वैसा अपना भाव विचार चला पाता हूँ, उससे मैं निरंतर सुखी हो सकता हूँ। ये जो येलो एरिया में दिख रहा है ये निरंतर सुख के स्रोत है, जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये सामायिक सुख के स्रोत है, क्षणिक सुख के स्रोत है। इसको क्षणिक सुख भी कहना बहुत इतना उचित है, उसको भी देखना होगा, या इसको आवेश कहा जाए कि इससे क्षणिक आवेश सा आता है जो स्थायी नहीं होता। इतनी बात मुझे हुई थी, फिर इससे जुड़े कुछ अभ्यास किए थे हम लोगों ने, फिर इसको और ठीक से देखने की कोशिश की थी कल हम लोगों ने कि जब भी हम दूसरे से भाव पाकर या सुविधाओं से सुखी होने का, संवेदनाओं से सुखी होने का प्रयास करते हैं तो थोड़े ही समय में उससे हम या तो दूर होने लगते हैं या है ना उससे जो हमको मिलता नहीं है तो बेचैन होने लगते हैं, मिलता है तो एक्साइटेड होने लगते हैं, और जब वहां बेचैन होते हैं और हमारे सुख की निरंतरता नहीं हो पाती तो उस बेचैनी से, उस दुख से बचने के लिए कई बार टीवी देखने लगते हैं, मोबाइल देखने लगते हैं, बार बार खाने लगते हैं, सोने लगते हैं, अधिक सोना, अधिक खाना, और एक समय तक उससे भी नहीं आराम मिलता है तो अपना बेचैनी से ध्यान हटाने के लिए कुछ नशा करना, गुटखा खाना, शराब पीना, ये सब भी शुरू हो जाता है और कुछ बड़ी दुर्घटनाओं तक मामला पहुंच जाता है। तो अभी देखने जाएं तो सुख क्या है ठीक से समझ में नहीं आता है, तो ये व्हाइट वाले एरिया और ब्लैक वाले एरिया में रोटेट करते रहते हैं, ऊपर वाले व्हाइट वाले एरिया से उगते हैं तो ब्लैक वाले एरिया में ऑपरेट करने लगते हैं, फिर इधर से बेचैन होते हैं तो वापस फिर व्हाइट वाले एरिया में ऑपरेट करते रहते हैं। तो देखेंगे तो अगर सुख क्या है ठीक से समझ में नहीं आया है, निरंतर सुख के सही स्रोतों को नहीं समझ पाए हैं, तो या तो जो आवेश है उसको सुख मानकर उसको पाने के लिए बहुत सारा प्रयास करते रहते हैं, या फिर जो दुख हम महसूस कर रहे हैं उससे कैसे हम पलायन कर सके, उससे कैसे बच सके, उसके लिए कुछ कुछ उपाय करते रहते हैं। तो दो तरीके तो ये है, एक तीसरा तरीका ये है कि सुख क्या है, ये निरंतर सुख किन सोर्सेस से हो सकता है उसको हम समझ सके और अपने में सुनिश्चित कर सके। तो ये जो येलो एरिया है ये तीसरा सोर्स है, तो सुख सही समझ से अर्थात स्वयं से लेकर संपूर्ण अस्तित्व तक को समझ कर उसमें जो मेरी निश्चित भागीदारी है वैसा भाव विचार सुनिश्चित करके मैं निरंतर सुखी हो सकता। अपने में ही इसको ऑब्जर्व करके देखना था कि हम कितना इस ब्लैक वाले एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, कितना इस व्हाइट वाले एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, कितना येलो एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और कौन से एरिया से निरंतर सुख संभव है, कौन से एरिया में हम अधिक ऑपरेट करना चाहते हैं, और आज के दिन ज्यादा समय हम किस एरिया में निकल। ये सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको ध्यान दिलाने के लिए ये अभ्यास आपके साथ शेयर किया गया था। आज पूरे दिन आप अपना निरीक्षण करें कि कितनी बार आप बाहरी स्रोतों से सुख का तलाश कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कुछ संवेदना पाकर या दूसरों का ध्यान पाकर या प्रशंसा पाकर, और आपसे ये भी अपेक्षा की गई थी कि आप ये ध्यान दें कि इस ऊपर वाले जो बिंदु है, दो सोर्स, उससे जो भी सुख मिलता है उसको आप अपने में कितने समय बनाए रख पाते हैं, और ये भी आपसे अपेक्षा थी कि जब कभी भी आपको अनुकूल संवेदनाएं या अनुकूल भाव आपके लिए उपलब्ध नहीं हो पाते उस समय आप सुखी होने के लिए क्या कर रहे होते हैं या आपकी क्या स्थिति बनती है।
तो जो भी आपकी अप्रिय स्थिति बनती है, जब ये अनुकूल संवेदना या अनुकूल भाव नहीं मिल पाते, तो आप उससे बचने की कोशिश करते हैं क्या? और उस प्रक्रिया में आप आवेश या पलायन के चक्र में आप अपने को फंसा हुआ तो नहीं पा रहे? क्या आपकी स्थिति है? ये दो बिंदुओं पर आपको आपसे ऑब्जर्वेशन की अपेक्षा थी, जिस पर आप ध्यान देंगे थोड़ा दिन भर, और जो कुछ भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा उसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और आज शेयर करेंगे। तो जो भी साथी इस अभ्यास को किए हैं ठीक से, वो हैंड रेज करें, हम लोग उनके साथ चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी इन अभ्यासों को किए हैं, हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। तो कल हैं। नमस्ते। जो असाइनमेंट दी गई थी, मैं उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर रही थी और समझने की भी कोशिश कर रही थी। भैया, मेरा जो है कि मतलब कुछ अटेंशन मुझे नहीं चाहिए, अप्रिसिएशन भी नहीं चाहिए, बट ये चाहती हूँ कि कुछ रखनी है बात, कुछ संवाद भी करना है, तो थोड़ा तो मतलब जो आवाज चढ़ा के जो होती है किसी से बातें करने की एक आदत भी होती है किन्हीं किन्हीं में, नॉर्मल शब्दों में, नॉर्मल टोन में ना कहते हुए एकदम से वो थोड़ा ज्यादा आवाज चढ़ता है या जो भी। तो ये जो है ना, अभी भी मैं उसको थोड़ा मुझे मतलब एक्सेप्ट नहीं होती है वो बात। अरे कहना है तो थोड़ा तो नॉर्मल शब्द या नॉर्मल टोन में भी तो आप बात को रखा रख सकते हो या कह सकते हो। सामने वाला कोई ऐसे बहरा तो नहीं है इतना जोर से चिल्लाने की या कहने की क्या जरूरत है? ये इसमें मुझे ना थोड़ा, मैं अभी भी मैं अटकी हुई हूँ। क्या इसे मैं समझू? मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी से भाव पाकर सुखी होने का यहाँ पे प्रयास कर रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जो भी व्यवहार हो, जो भी संवाद हो, तो थोड़ा ठीक ठीक हो। ये मेरी एक एक्सपेक्टेशन बनी रहती है, तो इसको कैसे समझे, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है, जैसे भैया कल हम आस्वादन से लेकर डिस्कशन कर रहे पहले थे। वाले पे बात कर लेते हैं दीदी, जी, दूसरे प्रश्न को लेंगे, नहीं कई बार पहला प्रश्न दब जाता है दूसरे प्रश्न से। इसको पूरा कर लेते हैं फिर दूसरा प्रश्न आता लेंगे। तो ये दूसरा व्यक्ति जो ऊंची आवाज में हमसे बात कर रहा है, तो वो हमारे साथ दो तरह का ट्रांजेक्शन कर रहा है। हम उससे दो ट्रांजेक्शन रिसीव कर रहे हैं, एक तो उसकी ध्वनि जो हम रिसीव कर रहे हैं, दूसरा उस जो ध्वनि और उसके बॉडी लैंग्वेज है और जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है और जो ध्वनि है, सबको मिलाकर कुछ भाव भी कम्युनिकेट कर रहा है। तो हम उस प्रक्रिया में जब आदमी हमसे तेज बात कर रहा है तो दो इनपुट रिसीव कर रहे हैं, एक तो उसकी ध्वनि और दूसरा उसका भाव, दोनों ही रिसीव कर रहे हैं उस समय। और हमारे भीतर दोनों को ही लेकर एक लेवल का आस्वादन का एक एक्सपेक्टेशन सेट है कि इससे ऊंची ध्वनि अगर है तो आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं, ऐसे बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसका भाव ठीक नहीं, जो ठीक भी हो सकता है कि उसका भाव ठीक ना हो, है ना, उसका हो सकता है, दोनों ही बातें हो सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं। अब ठीक से देखने जाएंगे तो तीसरा सोर्स है हमारे भीतर सही समझ, सही भाव। अगर हमें सही समझ सही भाव है तो हम उसके साथ उस व्यक्ति के उस दोनों इनपुट को रिसीव करते हैं कि दूसरा व्यक्ति अगर आराम में है तो एक ढंग से प्रस्तुत होगा, खुद बेचैन है तो दूसरे ढंग से प्रस्तुत होगा, और वो हमेशा ही आराम में बना रहे ऐसा तो जरूरी नहीं है। जी तो अगर वो हमेशा आराम में बना रहता है तो हो सकता है उसके द्वारा जो बॉडी लैंग्वेज हम तक आ रही है और जो भाव आ रहा है वो एक ढंग का है जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो आदमी हमेशा ही आराम में तो नहीं बना रहता, वो भी अपने अंदर बहुत सारी बेचैनियों को बहुत सारे ट्रांजेक्शन से प्रभावित होता रहता है और वो मेरे तक आता रहता है। तो अगर मैं इन तीनों सोर्सेस पर ध्यान देके उस व्यक्ति के साथ ऑपरेट करूंगी तो अभी और उस व्यक्ति का भी ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाऊ। मेरी बात आप तक पहुंच गई है तो आप इस पर अपना बात रखें, अन्यथा मैं इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करूँ। हाँ जी भैया, बात तो समझ में आ रही है। मैं थोड़ा और इस पे काम करके खुद भी देख लेती हूँ, थोड़ा समझती जी, हूँ। क्योंकि कोई भी व्यक्ति मेरे आस्वादन के अनुरूप हमेशा ही उसी टोन में बात करे, हमेशा वैसा ही भाव दे, ये बहुत जरूरी नहीं है। जैसी उसकी स्थिति होगी वो वैसा व्यक्ति होगा। हम उस व्यक्ति को कुछ कंडीशन के साथ स्वीकार रखे हैं,
इस टोन में और इस भाव के साथ बात करेगा तो अच्छा आदमी, इस टोन से अधिक ऊंचा और इस भाव के बगैर बात करेगा तो खराब आदमी। लेकिन अगर आप सही समझ सही भाव के आधार पर उस आदमी का मूल्यांकन करेंगे तो ये दिखेगा कि वो जो भी टोन और जो भी भाव व्यक्त कर रहा है वो वास्तव में अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहा है। बेचैन स्थिति में है तो बेचैन होकर प्रस्तुत होता है। तो जब हम उस कंडीशन को हटाकर अपने सही समझ सही भाव के साथ उस व्यक्ति को स्वीकार के बात करते हैं तो उसका व्यवहार चाहे बहुत फ्लक्चुएटिंग क्यों ना हो, उसका प्रभाव हमारे सुख पर नहीं पड़ता, बल्कि हम उसके फ्लक्चुएटिंग उस तरह के बिहेवियर से उसकी स्थिति का ठीक ठीक आकलन कर पाते हैं और यथा समय आने पर हम उसका ध्यान आकर्षण कराकर उसके विकास में सहयोगी बन पाते हैं, उसको बेचैनी दूर करने में सहयोगी बन पाते हैं। इतना बात एक ढंग से और इमोबिलिटी करना आपके इस प्रश्न के संदर्भ जी में। जी अब आप बात कर सकते। जी भैया, मैं इसको और थोड़ा काम करती हूँ मैं अपने पे। और दूसरा सवाल, जैसे कल मैंने पूछा था आस्वादन से लेकर, तो उसको और मैं समझ रही थी दिन भर। तो जैसे अभी मैं मॉर्निंग मीटिंग सुनना मुझे अच्छा लगता है, तो ये भी एक आस्वादन ही तो मैं ले रही हूँ, तो इसका आधार क्या मानना है? जी देखेंगे तो यहाँ से तीन तरह का आप आस्वादन ले रहे हैं। एक जो मैं बोल रहा हूँ और साथी लोग बोल रहे हैं उनकी ध्वनि, तो शब्द का आस्वादन ले रहे हैं, तो ये संवेदना का आस्वादन है। लेकिन हम लोग जो बोल रहे हैं उससे आपके प्रति हम लोग या और जो साथी को एक्सप्लोरर लोग हैं वो तो जो बोलते हैं तो उसके साथ एक भाव भी व्यक्त होता है, सम्मान का, विश्वास का, स्नेह का, तो उस भाव का भी आस्वादन ले रहे हैं। और यहाँ इन शब्दों के माध्यम से बहुत सारा चर्चा हो रहा है, तो एक तरह से ज्ञान का भी आस्वादन ले रहे हैं। तीन तरह का आस्वादन आप ले रहे हैं इस क्षण यहाँ पर। लेकिन इससे आपको बहुत ज्ञान हो जा रहा है ऐसा नहीं, ये सब बाहरी सूचनाएं हैं। जितना भी आस्वादन, उससे जो आप अपने भीतर ध्यान दे रहे हैं और उस ध्यान देने से आपको अपने में जो सहज स्वीकृत भाव दिख रहे हैं, जो व्यवस्था दिख रही है, जो संस्कार दिख रहे हैं, उसको जो आप व्यवस्था के अर्थ में कर पा रहे हैं, उससे जो आपको सही स्पष्ट हो रहा है वो ज्ञान है। और उसके आधार पर जो आप अपने भाव को ठीक कर पा रहे हैं उस वो समाधान है, उससे आप में भाव ठीक हो रहे हैं, विचार ठीक हो रहे हैं। तो देखने जाएंगे तो ये दो तरह की प्रक्रियाएं हैं, एक जो बाहर से आप आस्वादन ले रहे हैं और फिर भीतर जो काम कर रहे हैं उसमें आपको जो निश्चितता, निरंतरता, तृप्ति बिंदु दिखाई दे रहा है, ये जो भीतर दिखाई दे रहा है वहां ज्ञान है, बाहर जितना हो रहा है ये तीन तरह के आस्वादन हो रहे हैं। तो मैं इस पूरी प्रक्रिया को ऐसा देखता हूँ। जी भैया, तो मैं और ठीक, जी थैंक यू, ओके। इस पर कुछ और स्पष्टीकरण की जरूरत हो तो हम लोग आगे और बात कर सकते हैं। हाँ, मैं इसको और थोड़ा समझती हूँ, अपने में देखती हूँ, फिर कुछ रहा तो मैं पूछूंगी भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया है, आप अच्छे से अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके ऑब्जर्वेशन को सुन के। जी बिल्कुल जी थैंक यू भैया, आप सबका सपोर्ट बना है। जी थैंक यू सो मच। सर, इन माय केस व्हाट आई फील इज दैट सर, इफ समवन हैज समथिंग वेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल और दे हैव बॉट समथिंग, सर आई डोंट फील दैट आई हैव सम आई हैव आल्सो इन माय माइंड that I will also gather all those things in order to have happiness. So I don't even feel in that way, sir. कुछ कुछ वो सब means if I bought those things, it does not bring me any happiness. The thing is that whatever I bring in my house or whatever is according to the right understanding, I want to have a lifestyle which is minimalist. Whatever is not required, I do not buy all these things. But one thing what I have noticed in myself is that sir, whatever in the surroundings what happened, that means if I fall in certain situation where some other persons are gossiping, some other persons are quarreling, I can understand that they do not have a right understanding or right feeling. Sir, in that case, I feel discomfort. And then, sir, happiness is innate and happiness is continuous. Then I feel that in that case, I feel happiness is not always continuous. It may be discontinuous also. In that case, sir,
do you want to say? Sir, I also had an assignment. I observe myself. So whenever I sit continuously, I cannot sit for say a half an hour, but still I can sit for 15, 20 minutes in that way. And when I observe myself, if I feel my breathing and if I feel that I am doing certain meditation or like that, then it is okay. But if something happens during that day, say in professional life, in personal life, or in some it is dependent on certain situations, then sir, I feel something discomfort. So in that case, how can I ensure happiness in myself, sir? दीदी ने जो बात कही उसको मैं एक बार हिंदी में रख देता हूँ, फिर उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा। तो दीदी ने एक बात तो ये कही कि बहुत सारे साथी लोगों के पास, बहुत सारे आसपास के लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं दिखाई देती हैं, तो मैं ये तो अपने देख पाती हूँ कि मेरे को अपने पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता कि मुझे वो सब लेना है, मेरे को वो सब खरीदना है, तो मैं उससे प्रभावित नहीं होती, ये मैं अपने देख पाती हूँ। एक बात। दूसरी बात, दीदी ने ये कहा लेकिन अगर कोई लोग मेरे को लेकर, मेरी सुविधाओं को लेकर या मेरे को लेकर कुछ गपशप करते हैं, उसमें कुछ मेरे ऊपर कमेंट करते हैं या कुछ मेरे को लेकर बात करते हैं, वो मुझे प्रभावित करता है, उससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होती हूँ। दूसरी बात दीदी ने कही। और एक और बात दीदी ने कही तीसरी की, कुछ ऑफिस से रिलेटेड कुछ बात कही जिसको मैं पूरी तरह कंक्लूड नहीं कर पाया था, तो मैं इन दो बातों को दीदी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर आप ये जो ऑफिस से रिलेटेड तीसरी बात थी एक बार फिर से कह दीजिएगा तो मैं उसको भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। तो ये तो ठीक बात है कि जो सुविधाएं हैं दीदी उसको देख पा रही हैं कि सुविधाओं के बारे में बहुत वो प्रभावित नहीं होती, तो एक तरह से ये जो तीसरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, सुविधा और उससे मिलने वाली संवेदना, उसका एक लेवल का मूल्यांकन दीदी का अपने भीतर है, इसलिए दूसरों के पास कितना है, दूसरा उसको लेकर क्या कर, लेकिन ये जो सेकंड सोर्स है भाव वाला, भाव में भी दो तरीके हैं, अपने भाव को अपनी समझ के आधार पर सुनिश्चित करना या दूसरों से मिलने वाले भाव से अपने भीतर उसकी पूर्ति हो। तो अभी देखेंगे तो दूसरे मेरे बारे क्या बात कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या गपशप कर रहे हैं, उससे जो मेरे पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने दुख को, ये जो भाव का सेकंड वाला सोर्स है, बाहर से भाव पाकर सुखी होने वाला सोर्स, वो अभी भी एक्टिवेटेड है, इसलिए मैं उसको लेके एक तरह से थोड़ा बेचैन रहती हूँ या मेरे पर उसका प्रभाव पड़ता है। अब धीरे धीरे हमको ये दिखे कि ये तो हमेशा चलता ही रहेगा, 750 करोड़ लोग इस धरती पर हैं, 100-200 लोग वो मेरे संपर्क में आते हैं, और कोई ना कोई कभी ना कभी मेरे बारे कुछ अलग अलग ढंग की बातें तो करेगा ही, ये उसके करने के कारण नहीं हो रही। मैं दुखी इसलिए हो रही हूँ कि मैंने जो दो बातें की थी, एक तो सुविधा को लेकर और एक भाव को लेकर, कि भाव को देखने जाएंगे तो अगर हम बाहर के सोर्स से, है ना, ये जो सेकंड वाला सोर्स है, कि बाहर के सोर्स से अगर भाव पाकर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो दूसरे से भाव पाकर, तो हमारे में ये प्रभाव बना ही रहेगा। लेकिन अगर ये दिख जाए कि उससे अधिक भी कोई सोर्स है हमारे पास सुख को सुनिश्चित करने का, स्वयं में सही भाव को सुनिश्चित करके, तो मैं निरंतर सुख के तरफ बढ़ने के दिशा में जा सकती हूँ और दूसरों का जो ये प्रभाव है उससे मैं मुक्त तो हो सकती हूँ। इतनी बात मैंने दीदी आपके दोनों प्रश्नों के रिस्पॉन्ड में कहा था, तो अगर इस पर हाँ आपको कुछ कहना है तो कह सकती हैं। और एक तीसरा बिंदु आपने और कहा था जो स्वभाव मैं थोड़ा मिस कर गया, उसको अगर आप दोबारा कह दें तो मैं। सर सर डेट मीन्स वी शुड इग्नोर सर्टेन सिचुएशंस नो सर, और हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दे डिजर्व, मैंने दे आर लाइक दिस और समथिंग लाइक दैट सर, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें उन लोगों को ऑलवेज मैंने टीच करना, मैंने वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, लाइक दैट। और सर हम लोग ने अगर उन लोगों को और एक कहा दूसरे वो लोग दूसरे क्यों को भी सुनेगा? हाँ
अपने को भी ठीक ठीक देख पाए और उनको भी ठीक ठीक देख पाए। तो जब आप अपने को ठीक ठीक देखेंगे तो ये दिखेगा कि आपने अपने सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को दूसरों से भाव पाकर सुखी होने का जो प्रयास है उसमें लगा रखा है ना। सर जस्ट आपको आपने जो आप जो एफर्ट कर रहे हैं हैप्पीनेस के लिए वो इस वाले सोर्स से कर रहे हैं, दूसरे से भाव पाकर। अपने में भाव ठीक ठीक समझ में आ जाए ये वाला जो सोर्स है इस पर अभी आपका एफर्ट नहीं है इसलिए आप प्रभावित हो रहे हैं। अपने पर ध्यान देंगे तो ये दिखेगा, और जब हम अपने ध्यान देंगे तो अपना भाव अपनी सही समझ के आधार पर तय करेंगे, ना कि दूसरे मेरे बारे क्या बात कर रहे हैं उसके आधार पर। तो हमारे सुख की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक तो ये बात। लेकिन साथ ही साथ दूसरे जो मेरे बारे में बात कर रहे हैं या जो भी अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं हम उसको भी रीड करेंगे अपने को सही भाव बनाए रखते हुए। उससे हमको दूसरे आदमी के बारे ठीक ठीक आकलन होगा कि वो कितना समझा हुआ है और कितना कंफ्यूज है, उसको कितना क्लियर है कि सुख के सोर्सेस कौन कौन से हैं और किन सोर्सेस से वो सुख को ढूंढ रहा है, कौन सा बात उसकी पूरी नहीं हो सकती जिसके कारण वो बेचैन है। तो जब कभी भी वो हमसे बातचीत के हालात में आएगा हम धीरे धीरे उसका ध्यान दिला पाएंगे कि भाई जिंदगी में तीन सोर्सेज है सुखी होने के। अगर खाली ये व्हाइट वाले सोर्स से ही हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारी बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी, हम दूसरों के बारे में ही हमेशा चर्चा करके पूरी जिंदगी गुजार देंगे। देर सवेर अपने पर ध्यान जाता है तो दो और सोर्सेज हैं सही समझ और सही भाव जो अपने में सुनिश्चित कर सकते हैं, उससे हम आराम में आ सकते हैं। तो हम दूसरों के प्रति कंसर्न फील भी कर सकते हैं और उसको भी डेवलपमेंट में उसके सहायक हो सकते हैं अगर हम अपना ऊपर जो काम करना बनता है अगर कर पाए तो। इस प्रक्रिया में हमको किसी के प्रति इग्नोरेंट होने की जरूरत नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत होती है। जी दीदी ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, मेरा मेरा भी लगभग इसी तरह का क्वेश्चन था भैया, लेकिन इसका आगे का थोड़ा है। मेरा जो समस्या है, मेरा बाधा है कि इसमें तो दूसरे दूसरे व्यक्ति जो मेरे बारे में जो भी बोलता है, मतलब कि गलती बोलता है, तो फिर उससे क्या होता है कि उससे क्या हो रहा है कि मैं जो जो लोग सुन रहे हैं, मेरा जो काम है उनसे रिलेटेड है, मतलब उन लोगों के साथ ही मेरा काम होता है। तो वो आदमी जब मेरे बारे में गलत गलत बोल रहा है तो उससे मेरा काम प्रभाव हो रहा है, क्योंकि फिर जो लोग सुन रहे हैं मेरे बारे में, फिर वो मेरे को मेरे काम में सहयोग नहीं दे रहे हैं, तो इससे मेरा काम पूरा मतलब गड़बड़ में चल रहा है, मतलब पूरा नहीं हो पा रहा ठीक से। तो जी इसको जी कैसे मतलब कैसे इसमें इसको हाँ कैसे देख पाए और इसको कैसे। मैं समझ गया आपके प्रश्न को। कि आपका प्रश्न ये है कि दूसरे लोग मेरे बारे गलत गलत बात करते हैं, गलत गलत कहलाते हैं, उससे बाकी लोग मेरे बारे फिर गलत एजम्पशंस बना लेते हैं तो फिर मेरे काम में जो उनका सहयोग मिलना होता है वो नहीं मिल पाता, वो बाधित होता है, ये आप कहना चाह रहे हैं और ये ठीक ही बात है। तो अगर आप ठीक ढंग से देखेंगे तो एक घटना तो ये घटी रही है, दूसरे जो आपके बारे गलत फैला रहे हैं लोग उसको सुन रहे हैं और उसके बारे आपके बारे कुछ गलत एजम्पशंस बना ले रहे हैं, ये घटना बिल्कुल घट रही है। लेकिन सिर्फ इतनी ही घटना नहीं घटती, साथ में दो घटनाएं और घटती। एक दूसरी घटना ये घटती है कि लोग ये भी देखते हैं ये लोग ये दूसरा आदमी इसके बारे इतना कुछ गलत गलत कह रहा है लेकिन फिर भी ये आदमी पलट के रिएक्ट नहीं कर रहा है, किसको भी लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये तो उसके बावजूद भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ प्रस्तुत हो रहा है और ये इसका इतना ना इसके बारे गलत गलत बातें कर रहा है उसके बावजूद भी ये आदमी डिसहारमनी में नहीं जा रहा और हार्मनी में रहते हुए वो हार्मनी में आ जाए, वो सुखी हो जाए, वो अपने काम को ठीक तरह से कर सके, उसके लिए भी प्रयासरत है। तो आपके इन दोनों एक्ट को भी लोग ऑब्जर्व करते हैं और वो गलत गलत फैला रहे हैं उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, तो सप्ताह 10 दिन महीने भर में ही दोनों मूल्यांकन लोग कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे जो व्यक्ति दूसरों के सही गलत बातों से प्रभावित हुए बगैर हार्मनी में बने रहे और दूसरों को हार्मनी में लाने में सहयोगी हो सके उसका मूल्यांकन ज्यादा श्रेष्ठ जगह पर लोग करने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे बाकी वही ऑफिस के लोग बाकी जगह से बेचैन होते हैं
ऐसे ही लोगों के पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो दूसरों के सही गलत बातों से प्रभावित नहीं हो रहा, अपने में हारमनी में बना है और दूसरों को हारमनी में लाने के लिए सहयोग कर रहा है। मे बी मे टे मंथ 2 मंथ 3 मंथ, अगर आप इसको कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे ये भी आगे एक्सपेंड होने लगता है, जो कि सस्टेनेबल होता है। और जितने लोग इस विधि से आपका मूल्यांकन कर पाते हैं, वो आपके साथ वर्षों जुड़े रहते हैं, भले आप उस कॉलेज में रहें ना रहें। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपकी बात मुझे समझ में आई है। मुझे अभी जो रियलिटी में कैसे मतलब क्या होगा वो मेरे को अभी एक्सपीरियंस करना है। बहुत बहुत जी धन्यवाद भैया। भैया नमस्ते, आवाज आ रही है भैया? बिल्कुल ठीक आ रही है भैया। सभी को नमस्ते। भैया कल का जो था असाइनमेंट जो दिया गया था उसका थोड़ा सा मैं अपना अनुभव रखूंगा। कल असल में आज हमारे यहाँ पे वोटिंग है, तो मेरी वाइफ की इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, तो कल हम लोगों को जाना था वहाँ पर। तो ये था कि कल तो मतलब काफ़ी अच्छा अपने आप में टेस्टिंग हो जाएगी कि कितना विचार खुद को देख पा रहे हैं, कितना प्रभाव से बाहर से प्रभावित हो रहे हैं और कितना अपने आप में बने रह रहे हैं। तो उसमें काफ़ी जगह पर तो ये दिखा कि क्योंकि स्थिति परिस्थिति जैसे जो बाहर की है वो जैसी वांछनीय होती है उस तरीके से तो नहीं रहती है, अलग अलग जगह पर उसकी बदलती रहती है। तो उसमें अपने भाव काफ़ी जगह पर ठीक बने रहे। एक जगह का अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जैसे एक हॉल था, हॉल में जब हम लोग खड़े हुए तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, बहुत गर्मी थी और गर्मी की वजह से सब लोग पसीने में परेशान हो रहे थे। तो पसीना काफ़ी आ रहा था, इस वजह से मैं वहाँ से निकल के बाहर आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या वो बाहर के प्रभाव से शरीर पे जो प्रभाव पड़ा है उसको ठीक करने के लिए आया हूँ, मतलब वो स्थिति बदलने के लिए? मैं वहाँ पे ये सोच रहा था क्या मैं ऐसे ही खड़े रहूँ यहाँ पर अगर प्रभावित नहीं होना है, तो ये आपसे थोड़ा सा पूछना था। दूसरा एक चीज़ ये पता कर जाननी है, जैसे सुख के बारे में ये है कि जिस स्थिति परिस्थिति में मैं रहता हूँ उसमें मैं अगर व्यवस्था में हूँ, संगीत में हूँ, तो वही सुख है। तो ये परिस्थिति तो बाहर की है, स्थिति मेरे अंदर की है। तो परिस्थिति में मैं अगर आराम में हूँ उसका मतलब क्या है कि परिस्थिति भी मेरे अनुकूल है, ये थोड़ा सा आपसे जानना था। तो आपके दूसरे प्रश्न को पहले रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, फिर पहले प्रश्न पे आता हूँ। कल इस पर थोड़ी बात हुई थी, आज फिर मैं कर देता हूँ। स्थिति मतलब आपने जो सही समझ है उसके आधार पर आपका भाव विचार है, या बाहर जो कुछ घट रहा है उसके आधार पर आपका भाव विचार। तो अगर आपने सही को समझ रखा है उसके आधार पर आपका भाव विचार है, तो आप बाहर की परिस्थिति को पढ़ते हैं कि चल क्या रहा है, लेकिन उससे आपका भाव प्रभावित नहीं होता, आप दुखी नहीं होते। आपका भाव तो आपकी सही समझ के आधार पर ही बना रहता है, तो आप हार्मनी में बने रहते हैं और बाहर की परिस्थिति को रीड करते हैं और देख पाते हैं कि उसमें सामने वाले व्यक्ति में कहाँ पर समझ है और कहाँ पर समझ का अभाव है। और ये भी देख पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो गड़बड़ कर रहा है वो वास्तव में गड़बड़ नहीं है, वो भी मेरे ही तरह अच्छा आदमी है। कहीं ना कहीं कुछ समझ का अभाव है जिसके कारण वो बेचैन है और उससे परिस्थितियां खराब हो रही। तो मैं उस व्यक्ति के अंदर जो सही समझ का अभाव दिख रहा है, सही भाव के साथ उस तरफ उसका ध्यान आकर्षण कराता हूँ, और धीरे धीरे जब उसका ध्यान जाता है तो वो खुद भी अपने में हारमोनी में आ पाता है और बाहर लोगों के साथ हारमोनी में जी पाता है, और ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। इस ढंग से स्थिति परिस्थिति का योग संयोग है भैया, और जब अपने में समझ नहीं आया होता है स्थिति ठीक से, तो बाहर की परिस्थितियां ही मेरे भावों को तय कर रही होती है, जिससे मैं बेचैन बना रहता। बताएं, इस पर कुछ अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है फिर आपके पहले मुद्दे पर आएंगे। तो इसमें भैया जो परिस्थिति लिखता है वो मेरा परिस्थिति के लिए आकलन है, ये वाली बात है? जी, परिस्थिति का मैं आकलन कर रहा हूं और अपना भाव विचार अपने समझ के आधार पर तय कर रहा। अच्छा ठीक है भैया, ठीक है। ठीक है, अब जो आपका पहला प्रश्न था,
मैं संवेदनाओं से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जाके बैठ जाऊँ। मैं संवेदनाओं से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि -80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में जाके बैठ जाऊँ। मैं संवेदनाओं से सुख को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन शरीर के प्रति अपने जिम्मेदारी को स्वीकारे रखा हूँ कि इस शरीर का नर्चर करना है ना, पोषण करना, संरक्षण करना और सदुपयोग करना भी मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस शरीर से बहुत तरह का जो भी मैं सब ले रहा हूँ उस पर आगे बात करेंगे, बट ये जो शरीर है मेरे पास, इसका पोषण, संरक्षण और सदुपयोग करना, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब मैं देखूंगा तो टेम्परेचर को सुखी दुखी होने के आधार के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि उस टेम्परेचर को अपने शरीर के संरक्षण के आधार पर देख रहा हूँ कि उतने टेम्परेचर में शरीर का संरक्षण हो पाएगा कि नहीं। नहीं हो पाएगा तो जो मुझे उसके लिए व्यवस्था करनी है वो तो करना ही पड़ेगा मुझे। लेकिन जब मैं सुख को देखता हूँ है ना, उसके साथ जोड़ के, तो फिर परिस्थिति अलग हो जाती है। तो हम लोगों ने अभी तक इस बात को कंक्लूड किया था कि संवेदना से अगर सुखी होने का हम प्रयास कर रहे हैं और दूसरे से भाव पाकर अगर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो संवेदना जिसको हमने अनुकूल मान रखा है वो हमको मिलती रहे, उसकी निरंतरता हो सके। ये बात अलग है कि वो निरंतर संवेदना भी हमको मिलती रहे तो भी हम सुखी नहीं होते बल्कि बेचैन हो जाते हैं। तो वही रसगुल्ला का संवेदना हमको निरंतर मिलता रहे तो थोड़ी ही देर में वो रसगुल्ला दुखकारी हो जाता है। वही टेम्परेचर निरंतर बना रहे, एसी में ही निरंतर बैठे रहना पड़े, तो 2-4 दिन में वो असहनीय हो जाता है, बाहर खुली हवा में हम टहलना ही चाहते हैं, है ना। तो ये बात हमको अगर समझ में नहीं आती है तो हम संवेदना की निरंतरता को बनाए रखने के लिए बहुत सारी सुविधाओं को जुटाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, है ना, और ठीक से सुविधाओं का आकलन नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर दूसरों से भाव पाना है तो भाव अपने में सही समझ के आधार पर भाव सुनिश्चित होगा, ये ध्यान में नहीं रहता है। तो दूसरे से भाव पाने के लिए बड़ी गाड़ी, नई साड़ी, बड़ा मोबाइल, डिजाइनर लैपटॉप, डिजाइनर गहने, बड़े बड़े घर, तो बहुत सारी सुविधाएं हमको इसलिए जुटाना पड़ता है कि लोग उस सुविधाओं के कारण हमको ध्यान दें, क्योंकि लोगों के ध्यान देने को ही हम सम्मान का भाव मान लेते हैं और उससे कुछ क्षणिक रूप से सुखी होते हैं या आवेशित होते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो सुख या वो आवेश खत्म हो जाता है। तो आप नई गाड़ी से घूम रहे हैं, कोई नोटिस नहीं करता है। आज नया कपड़ा पहन के आए हैं, एक बार किसी ने कर भी दिया नोटिस, लेकिन दिन भर आप पहने रहे, कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन ये स्पष्टता हमको हमारे भीतर नहीं रहती, तो डिजाइनर कपड़ा, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अलग मोबाइल, अलग अलग तरह की सुविधाएं हमको दूसरों से भाव पाने के लिए जुटाना हमारी बाध्यता हो जाती है। तो अगर हम सिर्फ वाइट एरिया में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हम कभी भी ये तय नहीं कर पाते कि वास्तव में हमको कितने सुविधा की जरूरत है। तो कभी भी जब तय नहीं हो पाता तो हमारा जो गिलास है सुविधा वाला वो कभी भरता ही नहीं है, क्योंकि कितने सुविधा की आवश्यकता है ये तय ही नहीं है, गिलास की पेंदी टूटी है। जितना भी सुविधा घर में जुटा के भरते रहते हैं हम, कभी भी लगता ही नहीं सुविधा, घर में सामान रखने की जगह नहीं रहती, लेकिन फिर भी लगता रहता है कि सुविधा कम है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि सम्मान निरंतरता में चाहिए और सुविधाओं के आधार पर क्षणिक रूप से ही कोई ध्यान दे पाता है, सम्मान भी नहीं देता, और अगर क्षणिक रूप से ध्यान दे रहा वो निरंतर भी ध्यान नहीं दे पाता, ये स्पष्ट नहीं है। तो हम बहुत सारी सुविधाओं को जुटाने के चक्र में फंसे रहते हैं। एक बार ये स्पष्टता हो जाए, ये जो येलो ब्लॉक है, सही समझ और सही भाव, जो स्वयं के समझ के आधार पर भाव हमें सुनिश्चित होगा, सही समझ से हम सुखी होंगे और सही समझ के आधार पर जो अपने में भाव सुनिश्चित हम कर पा रहे हैं उससे निरंतर सुखी होंगे, ये सोर्स अगर हमको समझ में आता है तो हम इससे सुख को तलाशते हैं, इससे सुख को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये जो शरीर है, इस शरीर का सदुपयोग करने के लिए, इसके संरक्षण करने के लिए
और इसका पोषण करने के लिए जितने सुविधा की जरूरत है उसको अब हम ठीक ठीक पहचान पाते हैं। अब सुविधाओं को हम दूसरों से ध्यान पाने के लिए, दूसरों से सम्मान पाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सुविधाओं को जोड़कर नहीं देखते, बल्कि अब हम अपने और अपने परिवार और के लोगों के शरीर का पोषण हो सके, संरक्षण हो सके, शरीर का सदुपयोग हो सके, इसके लिए सुविधाओं को देखते हैं और इस अर्थ में सुविधाएं जुटाते हैं, तो हमको ये दिख पाता है कि शरीर के पोषण के लिए वास्तव में कितनी सुविधा की जरूरत है, मेरे और मेरे परिवार के लोगों के शरीर के संरक्षण के लिए वास्तव में कितनी सुविधा की जरूरत है, सदुपयोग के लिए कितनी सुविधा की जरूरत है, हम उसको निश्चितता से तय कर पाते हैं। एक बार जब तय कर पाते हैं तो हम और हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो मिल करके स्किल पे काम करते हैं और उस स्किल का प्रयोग करके उससे अधिक परिवार में जुटा पाते हैं और समृद्धि के इस भाव को अपने परिवार में अपने में महसूस कर पाते हैं। एक बार जब ये स्पष्टता होती है तो बहुत तरह का जो भय है उस पर भी हम और हमारा पूरा परिवार और समाज के लोग मिलकर काम करना शुरू करते हैं। जैसे एक भय है कि हम अगर अस्वस्थ हो गए तो उसके लिए कितने धन की जरूरत होगी पता नहीं है, इसलिए बहुत सारा संग्रह करना है, बच्चों को हमको है ना कल के दिन बच्चों की शादी करनी है उसमें जाने कितना खर्च होगा पता नहीं है, उसको ठीक करना है, इस तरह के बहुत सारे भय हमको सताते रहते हैं। एक बार एक बेसिक इश्यूज डिजॉल्व होते हैं तो फिर हम इन इश्यूज पे काम करना शुरू करते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ धन से सुनिश्चित होगा या फिर साथ साथ हमको बहुत सारा दिनचर्या ठीक हो करना पड़ेगा, संयम का भाव की आवश्यकता होगी, कुछ श्रम करना होगा, कुछ व्यायाम करना होगा, है ना, ये भी करना होगा। तो देखेंगे कि बहुत सारा हम आहार विहार ठीक करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, श्रम व्यायाम करते हैं, पूरा परिवार इस काम को रूटीन में करता है, तो इसे 70%, 80%, 90% स्वास्थ्य को हम मेंटेन कर पाते हैं। 10% घटना दुर्घटना हो ही सकती है, उसके लिए फिर हम कुछ इमरजेंसी जो भी हमारे पास फंड मैनेज करना है उसको करते ही हैं। और एक बार जो सुविधाओं को दिखावे के लिए जब हम खर्च कर रहे होते हैं दूसरों से भाव पाने के लिए, उससे जब हम मुक्त होते हैं तो दिखावे वाला खर्च भी बचने लगता है, वो सब भी हमारे भविष्य की इस अनसर्टेनिटी के लिए बच पाता है। और हमको जब असीमित सुविधा कमाने के दबाव से जब हम मुक्त होते हैं तो बहुत सारा समय हमारे पास बचता है, उस समय का सदुपयोग हम लोगों के साथ संबंध में लगाते हैं, उससे बहुत सारे लोगों के विकास में हम सहायक हो पाते हैं, फिर उन उन लोगों के साथ एक आश्वस्ति भरा वातावरण होता है, फिर एक समय हमको ये आश्वस्ति हो पाती है कि हम अपने दुर्घटनाओं के लिए कुछ धन तो इकट्ठा किए ही है, लेकिन दुर्घटना उससे अधिक की भी हो सकती है, लेकिन हमने संबंध में जो समय इन्वेस्ट किया है उससे जो आश्वस्ति हुआ है, तो जितना भी हम अपने बचत से अपने दुर्घटनाओं को डील कर पाएंगे, बाकी संबंधी जिनके साथ हमने समय लगाया है हम भी उनके लिए खड़े हैं, वो भी हमारे लिए खड़े हैं, तो हम इस तरह के दुर्घटनाओं की भय से धीरे धीरे मुक्त हो पाते। इसी प्रकार धीरे धीरे जो शादी ब्याह है उसमें भी हमको लगता है कि बहुत खर्च होगा, कितना होगा मालूम नहीं, तो धीरे धीरे यह दिखता है कि हमको जो शादी ब्याह है वो बच्चे एक दूसरे का बचा है, दोनों मिलकर परिवार परंपरा में कदम रख रहे हैं, तो ये परिवार परंपरा आगे ठीक से चला सके उसके लिए जो भी बेसिक सुविधाओं की एक जरूरत है वो सब मिलके उसके लिए पूरा हो सके, ये सब जिम्मेदारी के तहत हम इसको पूरा करते हैं, साथ साथ 200 400 500 1000 लोग उसमें साक्षी बनते हैं, क्योंकि विवाह एक सामाजिक कार्यक्रम है जिसमें एक सामाजिक तौर पर हम इस बात की घोषणा करते हैं कि ये स्त्री और ये पुरुष अब स्वपुरुष और स्वनारी के रूप में आगे की जिंदगी व्यतीत करेंगे, इस तरह की एक सामाजिक घोषणा होती है, तो उसमें 100 50 हजार 50 500 कुछ लोगों का भोजन व्यवस्था भी करना है, तो ठीक ढंग से हम इसको सामाजिक स्तर पर कैसे चलाया जा सकता है, कैसे सोचा जा सकता है, उसको मिलकर समाज में कुछ विचार विमर्श शुरू करते हैं। तो बहुत सारा जो शादी ब्याह में दिखावे के लिए खर्च हो रहा है उससे मुक्त होकर जो सही खर्च है, जो व्यवस्था के अर्थ में खर्च है, उसको हम और समाज के लोग मिलकर कैसे पूरा कर सकते हैं, उस पर बहुत सारी चर्चाएं परिचर्चाएं शुरू होती हैं, तो समाज में धीरे धीरे वातावरण बनता है।
एक बार समृद्धि से जुड़े हुए बेसिक मुद्दों को जब हम डील कर पाते हैं, तो परिवार से जुड़े हैं, तो फिर जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं धीरे धीरे उसको भी सॉल्व करने पर हम कदम दर कदम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हमें यही स्पष्ट नहीं रहता है कि हम सही समझ और सही भाव से अपने में सुख को सुनिश्चित करेंगे, तो हमारा बहुत सारा ऊर्जा दूसरों से भाव पाकर संवेदना से सुखी होने के लिए सुविधा जुटाने में ही खर्च होता रहता है, और हम अपने आप को सुविधा जुटाने के बोझ से हमेशा दबे हुए ही महसूस करते रहते। तो अगर मेरे तरफ से बात करना था तो समृद्धि के बारे में इतनी बेसिक बात मुझे रखनी थी। इस पर जो आप लोगों के प्रश्न है, ऑब्जर्वेशन है, एक एक करके ले लेते हैं। नमस्ते नमस्ते भैया, मेरी आवाज आ रही है भैया? नमस्ते। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही जो है भैया। जो स्लाइड में शो हो रहा है रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी, उसको जी हम जी स्टार्टिंग में ही मतलब रिक्वायर्ड बेसिक फिजिकल फैसिलिटीज से एड्रेस करें तो कैसा रहेगा भैया? मैं थोड़ा सा इस बारे में मतलब आपसे इनपुट चाहता हूँ, क्योंकि जितनी भी भैया फिजिकल फैसिलिटी शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए आवश्यक है वो बेसिक ही है, और बेसिक से अधिक की जरूरत नहीं है। भाई हम जी खाना जी ही खाएंगे ना, जी जी शरीर जी को पोषण के लिए जितना जरूरी है उतना खाएंगे, इसमें बेसिक क्या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या। शरीर के अच्छा संरक्षण के लिए जितना कपड़ा पहनना है पहनेंगे, इसमें बेसिक क्या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या। शरीर को अच्छा सदुपयोग करने के लिए 100 किलोमीटर ले जाना है किसी गाड़ी से ही लेके जाएंगे, तो इसमें बेसिक क्या और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तब हो जाता है जब हम 50 लाख की गाड़ी से शरीर को लेकर ढोना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, है ना। जी हम कोई जी विशेष भैया भोजन ही खाना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। विशेष ठीक कपड़े ही पहनना चाहते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। और ये अब शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए नहीं है, ये दूसरों से ध्यान पाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपने को ऊंचा दिखाने के लिए। इसलिए वास्तविक जरूरत जो है वो पूरा होना है, उसमें बेसिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है। ठीक है भैया ठीक है भैया। तो मेरा समृद्धि की से मेरा समझ तो काफ़ी क्लियर है, और लेकिन मैं अपना एक ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि ये थोड़ा सा पत्नी के साथ में चलता रहता है कि 5 साल पहले लगभग था ऐसा कि जैसे अभी हम लोग परिवार के साथ घर में रहते ही हैं, माता पिता के साथ ही रहते हैं, तो ये था कि नहीं, पत्नी का ये था कि नहीं, हमें दूसरी जगह भी कुछ देखना चाहिए, घर देखना चाहिए। तो मेरा प्रश्न होता था कि क्यों देखना चाहिए, तो ये बात आती थी कि अपना कुछ होना चाहिए। तो मैंने कहा अपना फिर ये किसका है? तो बोले नहीं, फिर होना ही चाहिए होना ही चाहिए। तो वो एक बात हुई, फिर वहाँ पर एक प्लॉट लिया गया, मतलब एक अलग जगह पे ले लिया गया, तो वो एक हुआ। तो आवश्यकता वहाँ पे ऐसी मतलब दूसरी तरफ से ये रही कि नहीं, अब तो सुखी होने का यही एक आधार है, अगर ये नहीं होगा तो फिर और कुछ हो नहीं सकता। तो ठीक है, वो ले लिया गया। अभी वो 5 साल के बाद हम जहाँ पे वो उसका कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग घर पे ही रह रहे हैं, उसके बगल में एक दूसरा घर है, वो बिका हुआ है। अब दूसरी तरफ से ये चर्चा चल रही है कि ये वाला घर तो होना ही चाहिए, ये पास में रहेगा, देखो यहाँ पे सब सुविधा है, यहाँ पे हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। तो अपनी तो अपना भाव तो सुनिश्चित है, लेकिन जो संबंधी साथ में रह रहे हैं उनका भाव सुनिश्चित नहीं है, और उनकी बात को अगर ना सुने, या फिर हम अपनी उनकी बात के विरोध, मतलब विरोध नहीं कहेंगे, उनकी बात को उनको समझ पे लाने के लिए कुछ बात करें, तो ये होता है कि तुम तो मेरी बात मानने ही नहीं चाहते हो, सुनते ही नहीं कुछ भी चीज, इसको कैसे देखा जाए भैया? भैया परंपरा में एक कहानी कही गई है कि आग लगेगा तब कुआं खोदना है कि कुआं पहले ही खोद के रखना वहां खोदने का काम चल रहा है, लेकिन वो कुआं कुएं की जमीन सख्त है है। भैया। अभी इच्छा गहरी जाग गई है, इच्छा बहुत फैल गई है, पूरा एकदम सब तितर बितर हो गया है। अब आप उसको रोकने जाते हैं तो विरोध जैसा खड़ा होता है। लेकिन ठीक स्थिति तो ये है, सही समझ पर काम होता रहे, हमारे भी दूसरे के भी बच्चों के भी सभी सदस्यों के भी, तो व्यक्ति खुद ही आवश्यकताओं को पहचानने लग जाता है। कोई व्यक्ति किसी आवश्यकता को खड़ा कर रहा है और आप उसका मूल्यांकन करें कि ये ठीक है या ठीक नहीं है, तो वो रिएक्शन में जाता है। ठीक बात है, लेकिन वो मेरे से पूछा भी जाता है कि बताओ ये ठीक है कि नहीं है। वही अब उसमें तो वही, मैं तो अगर अपनी समझ हमको के आधार उसमें पे कहूंगा। जजमेंट लेना पड़ता है,
हमको एक जजमेंट भी लेना पड़ता है और साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि भाई हमको तो ये समझ में आया है ठीक है कि नहीं ठीक है, हम क्यों बोले पहले उसके लिए, बल्कि हम हाँ अपना आधार बताएंगे कि भाई हमको तो ये समझ में आया है कि शरीर के लिए तीन जरूरतें हैं बेसिक, क्या कहें जो अगर भैया हाँ कह रहे थे, एक तो शरीर का पोषण हो, एक शरीर का संरक्षण हो और एक शरीर का सदुपयोग। तो जी कपड़ा और घर वास्तव में शरीर के संरक्षण के लिए बहुत ही जरूरी है अपने और पारिवारिक सदस्यों के, तो वो जरूरत हम देख लें कि अभी पूरी हो पा रही है कि नहीं, आगे जब तक हम लोग का शरीर है पूरी हो पाएगी कि नहीं इस घर से, और अगर नहीं हो पाएगी तो हमको घर तो लेना ही पड़ेगा, वो करेंगे ही, अभी धन है तो लेंगे, नहीं तो आगे धन जुटा के लेंगे। और अगर वो जरूरत पूरी हो जा रही है तो फिर अगर हम घर फिर भी खरीद रहे हैं, जमीन फिर भी दूसरी खरीद रहे हैं, तो ये स्पष्ट है फिर शरीर के संरक्षण के लिए नहीं खरीद रहे, फिर किसी और पर्पज के लिए खरीद रहे, वो पर्पज क्या है उस पर चर्चा होना जरूरी। तो भैया इसमें ऐसा है, ये है कि मेरी समझ बनी हुई है कि सही के अर्थ में, शरीर के संरक्षण के अर्थ में जो अभी जहाँ रह रहे हैं वो पर्याप्त है, परंतु दूसरे की समझ तो ये नहीं है लेकिन कि जो इस ढंग शरीर से के देखेंगे संरक्षण। तो दूसरे की भी कुछ समझ है, हमको उसको भी सम्मान करना होगा, तो दूसरे की कुछ समझ हो सकती है कि भाई धन कुछ अपने पास है, कुछ इधर उधर से लेके उसको कहीं जमीन में इन्वेस्ट कर दें, कहीं घर में इन्वेस्ट कर दें, बाद में बेचेंगे उससे जो है बच्चों का जो है जो कुछ पढ़ाई लिखाई है, अनिश्चितताएं हैं, कुछ डील होंगी, ये कुछ समझा हुआ उसका हो सकता है, या ये हो सकता है शादी ब्याह में खर्च करेंगे, ये उसका समझा हुआ हो सकता है, या ये उसकी समझ हो सकती है कि 10 लोगों के साथ हम बता पाएंगे कि हमारे पास 3 जगह घर है तो हमारा सम्मान होगा। तो जो भी उसकी समझ है उसके साथ वो व्यक्ति बात कर रहा है तो हम उसको भी सम्मान कर पाए और उस पर जिससे कर पाए, हम भी उस भाव से शुरू करते हैं ना कि उसने जो समझ रखा है और हमने जो समझ रखा है, हम श्रेष्ठ जगह पर है वो निष्ठ जगह पर है, तो चर्चा ही विरोध के भाव से या बहुत ही एक हीन भावना के दृष्टि से हम शुरू करते हैं जिसको सामने वाला स्वीकार नहीं पाता और बड़ा रिजेक्शन में चला जाता है। भी हो जाता है भी। इसका आकलन मतलब अपने जी अपने आप जी से आकलन और में आ आप जाता है जिसको कभी क्योंकि कभी कह रहे हैं, हाँ आप जिसको कभी कभी कह रहे हैं, आप उसको कभी कभी कह के भूल जाते हैं कि कभी कभी हो रहा है, लेकिन जिसके साथ कभी कभी ऐसा होता है वो उसको मन में बिठा लेता है और हर बार उसको आधार बनाकर आपका मूल्यांकन करता है। हाँ ये बात ठीक है, ये बात ठीक है भैया, वही तो ये इस ऐसा भी अपने आप में आता है, दिखाई देता है। हाँ बस भैया का नमस्ते। प्रश्न सुन लेते हैं, चर्चा अगले मीटिंग में कर हाँ लेंगे। नमस्ते सभी को। मेरा प्रश्न ये है, ये जो हमने जो व्याख्या किया है समृद्धि प्रोस्पेरिटी, तो जी उसमें लिखा है आवश्यक सुविधाओं से अधिक, तो अधिकतम का मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बस अधिक तो आज बहुत एक काफी लाइन में वाइड हो कह जाता है। देता हूँ भैया, हाँ आज एक लाइन में कह देता हूँ, कल उस पर डिटेल बात कर लेंगे। ठीक एक है लाइन में कहूंगा कि अगर मुझे लगता है कि हमारे घर में 4 लोग हैं और मेरे को ना महीने में ना या एक दिन में 20 रोटी की जरूरत है, तो मैं 20 रोटी जुटा रहा हूँ, लेकिन किसी दिन मेरे घर गेस्ट भी आ सकते हैं, है ना, दो चार गेस्ट भी आ सकते हैं, तो जितना मेरी आवश्यकता है उससे थोड़ा अधिक तो होना जरूरी है, लेकिन जितना भी अधिक है वो एक्यूमुलेशन के लिए नहीं, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए, जो मेरी आवश्यकता से अधिक है, तो जितना भी आवश्यकता से मेरे पास अधिक है वो औरों के साथ शेयर करने के लिए। बाकी डिटेल चर्चा इस पर हम लोग जी भैया, ठीक है, थैंक यू। करें, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आज हम लोगों ने समृद्धि पर बात की, कल समृद्धि से जुड़े हुए मुद्दों पर और बात करेंगे। आप लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आज दिन भर इस बातों को थोड़ा ऑब्जर्व करें कि आप जो भी सुविधाओं का प्रयोग कर रहे हैं वो वास्तव में शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग भाव से कर रहे हैं या उन सुविधाओं से पाने के लिए सुखी होने के लिए कर रहे हैं या दूसरों को क्या दिखाने या अपने किस भाव के साथ उन सुविधाओं का आप प्रयोग कर रहे हैं, इन बातों को अगर आप आज दिन भर ऑब्जर्व करें तो कल समृद्धि पर और अच्छे आपके ऑब्जर्वेशन आ पाएंगे। मेरी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।